Hey, hello everyone, welcome back or welcome to my YouTube channel. This is your Rajika Singh and today we are going to Chandni Chowk, Purani Delhi to explore Chandni Chowk. और हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे व्लॉग में बताऊंगी. एंड हम किस लिए जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ. Meet my little sister. Hello. Say hi. And हम क्या करने जा रहे हैं अभी बताना going, नहीं है. We are going to explore Chandni Chowk. Yes. We are going to buy so many things. Yeah. Shopping day. और आप मुझे कराओगे ना shopping? Sure. या मैं आपको करा रही हूँ? Sure, I am going to. Okay, चलो देखते हैं आगे आगे क्या लेते हैं आज हम Chandni Chowk से. Yeah. And अब हम आ चुके हैं दरियागंज में और क्या लेना है? Let me show you. अच्छा अभी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही थी. आई गेस ये निकालना पड़ेगा इसका, लेकिन अब बजाऊंगी कैसे? नहीं मेरे को, अगर मेरे को हारमोनियम चाहिए. कौन सा हारमोनियम, कौन सा लेना चाहते हो? ये भी अच्छी लग रही है, ये भी लेके जाओगी? अच्छी लग रही है, जो अच्छी लग रही वही लेके जाऊंगी. ये क्या है? ये विस्कस जिंजर है. ये देखो आप, ये किस कौन सी रीड है? पाली टाइम की. अच्छा ये दोनों स्केल चेंजर हारमोनियम्स हैं. मुझे तो आज पहली बार पता चल रहा है राइटीज भी आती है हारमोनियम में. ये देखो ये ऐसे चेंज होती है. ये नीचे का कलर हो रहा है ना, इंटरेस्टिंग है काफी, मजा आ रहा है मुझे ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख के. अभी जिस शॉप पे थे हम अच्छा तो लग रहा है, बट हम और एक्सप्लोर करेंगे अभी, उसके बाद ही फाइनल करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है. एंड मैंने जो ये कुर्ता पहना हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा छन छन की आवाज़ आ रही है और अच्छा तो लग रहा है, पर ये इरिटेट भी कर रहा है मुझे बहुत. अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे. वाह मज़ा आ रहा है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स देखने में, क्योंकि कभी देखे नहीं है, पहली बार देख रही हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है ये भी ले लूँ. बट बजाना आता नहीं है तो करूँगी क्या लेके. एंड लुक एट दिस, ओह माय गॉड, वाओ, कुछ तो लेके जाऊँगी मैं इसमें से. ये तो मैंने देखे है मेले वेले में. वाओ ये चाहिए मेरे को, ये ही चाहिए. क्या माहौल बन गया भाई, शॉप पे माहौल बन गया. याद क्या आए वो पहली मुलाकात तुझे, फसाने हर एक बात तुझे, तेरे ख्वाबों में ख्यालों में चला रहा हूँ घर.
माहौल ही बन गया यार भाई, मजा आ रहा है, मन नहीं कर रहा यहाँ से उठ के जाने का, सब लोगों का माहौल बन चुका है यहाँ पे। गाइस और हम ना क्योंकि वी आर लर्नर्स तो हम 10 12 15 20 तक का लेने का सोच रहे थे हारमोनियम, बट हमें सस्ती चीज़ें पसंद आ ही नहीं सकती भाई, आती ही नहीं है सस्ती चीज़ें पसंद। 35,000 का हारमोनियम पसंद आ रहा है और उसी पे हमारा ना दिल अटका हुआ है, वही चाहिए, वो बहुत प्यारा है, इतना अच्छा साउंड है ना उसका, मज़ा आ गया मतलब बजा के सुन के भी। समझ नहीं आ रहा यार, इस शॉप पे इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं ना, मतलब मन कर रहा है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। वाओ सो ब्यूटीफुल ड्रम्स, ये सब चाहिए मुझे यार। जब मैं अपना बड़ा सा घर बनवाऊँगी तब मैं एक स्टूडियो बनवाऊँगी जिसमें ये सब होगा ज़रूर। शौक तो हो ही रहा है मुझे, अब धीरे धीरे चढ़ रहा है। वाओ ब्यूटीफुल, कितना रॉकिंग लग रहा है यार ये, वाओ कितना रॉकिंग ड्रम लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। एंड गिटार्स का कलेक्शन तो माय गॉड, सब कुछ है यहाँ पे, मैं शॉप का नाम भी पूछ के बताऊँगी। एंड वाओ बताओ फिर करें ले फिर। और हमने हारमोनियम पसंद तो कर लिया है लेकिन अभी हमने होल्ड पे डाल दिया, हम कल उसको परचेज करेंगे क्योंकि अभी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें 30,000 से नीचे वाला पसंद आ ही नहीं रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 30,000 वाले भी हमारी नज़र और दिल दोनों अटके हुए हैं, तो वही वाला फाइनल है ना ऑलमोस्ट, तो हम कल डन करेंगे। एंड अभी लग रही है बहुत ज़ोर से भूख और हम जा रहे हैं चांदनी चौक दरियागंज से रिक्शा में, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए, लाइट का इशू आ रहा है सॉरी गाइस। और हम आ चुके हैं चांदनी चौक और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ होती है और बस एक ही आवाज़ आती है यहाँ से, आपको लहंगे चाहिए नॉन ब्राइडल ब्राइडल लहंगे, आइए आइए हमारे साथ चलिए, बस यहाँ पे यही मिलता है सुनने के लिए। एंड अब हम यहाँ पे कुछ खाने आए हैं एंड देखते हैं हम क्या खाते हैं, मुझे तो हम कोई स्ट्रीट फूड ही ट्राई करेंगे बेस्ट। मुझे पराठे वाली गली नहीं मिल रही, मेरे को पराठे वाली गली के अंदर ना एक कचौड़ी वाला है, आलू कचौड़ी वाला, जब मैं पहले कभी आई हूँ एक दो बारी मैंने तब खाई है और मुझे वही खाना है और मैं ढूँढ रही हूँ मुझे मिल नहीं रही है, बट किसी से पूछ के चलते हैं खाने। और ये गुरुद्वारा भैया भैया ये पराठे वाली गली है ना, मिल गई हमें पराठे वाली गली और अब हम चलते हैं कचौड़ी खाने, हम तो एक्साइटेड। ऊपर बैठिए आप लोग एसी में। सिर्फ पराठे वाली गली और मैं बताती हूँ कि कहाँ पे मिलेगी वो कचौड़ी, ढूंढनी तो मुझे भी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई पराठे वाली गली में, पराठे खाने बिल्कुल नहीं आई हूँ, वो मैं कहीं और से खाऊंगी, वो मैं खाऊंगी आईटीओ से, जो आईटीओ पे सरदार जी है ना पराठे वाले वहाँ से, बट यहाँ से हम कचौड़ी खाएंगे। कहाँ है यार दुकान, दुकान ढूंढ रही हूँ मिल नहीं रही है। वाह कितना प्यारा लग रहा है यार ये लहंगा, प्यारा लग रहा है ये लहंगा, छोड़ो अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है,
जब होगी तब लेंगे है ना। आओ गाइस जल्दी चलो, गर्मी लग रही है। शिट बनना हो गया यार, वो रूम हो गया था। ओह गॉड मिल गई हमें दुकान, ये दुकान है और मुझे यहीं की आलू का चोरी खानी है। भैया कितना? तीन प्लेट बना देना। मैं यही खाने आई थी स्पेशल, मुझे यही खाना था, यही चाहिए था बस। वाह मज़ा आ गया, तृप्ति हो गई यार, बहुत टेस्टी है। कभी आप लोग भी आओ तो ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। आलू कचौड़ी खाने के बाद अब हम आ चुके हैं वाली शॉप पे, काफ़ी फेमस है आई गेस। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, ये इनके वो होंगे अचीवमेंट्स एंड ऑल। एंड हमारा पराठा आ चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे। मेरा तो मन नहीं है खाने का, एक बार बस ट्राई करूँगी, टेस्ट करूँगी। लस्सी खानी है? लस्सी पीनी है? कैसे लगा तुम लोगों को? दीदी आपको कैसे लगा? लस्सी पीनी है दीदी? मेरे को नहीं मज़ा आ रहा। कैसे लगा? मज़ा तो कुछ, ये काफ़ी ऑयली है, तेल में बनाते हैं लोग। अभी देखते हैं पराठे तेल में कौन तलता है भाई, पराठे तेल में कौन तलता है? ऑयली है ना, इसलिए मन नहीं कर रहा खाने का, मुझे नहीं खाना। पहले तो मेरा देख के ही मन नहीं कर रहा खाने का, इतना ऑयली नहीं खा सकते। मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल, अच्छा नहीं है गाइस। तो देख लेना तुमको, ट्राई करना है तो, मैं तो नहीं खा रही। लो भाई लस्सी पी लो, लस्सी पियो, पी के दिखाओ, पी हेलो गाइस पी के दिखाओ, पी के दिखाओ, पी के दिखाओ। अच्छी है लस्सी, तो अच्छी है, टेस्ट किया मैंने, काफ़ी अच्छी है। मैं क्यों बता रही हूँ, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सुन लो कोई बात नहीं। कभी तुम लोग आए याद रहेगा कि अच्छा राजुआ ने बताया था कि लस्सी अच्छी है, पी सकते हैं, टेस्ट करेगा तुम्हें इन फ्यूचर। ये बच्चा ना बहुत देर से परेशान है और ना ये रो रहा है, पता नहीं किसी चीज़ की जिद कर रहा है अपने पेरेंट्स से। बचपन में मैं भी ऐसे ही, बचपन में ना मैं भी ऐसे करती थी, जब मुझे कोई चीज़ नहीं दिलाते थे ना तो मैं वही सड़क पे लेट जाती थी, रोना शुरू कर देती थी बहुत ज़्यादा, फिर हार मान के तो दिलाना पड़ता ही था उनको जो भी मुझे चाहिए था। तो घर में सबसे ज़्यादा सर पे चढ़ाया बच्चा मैं। इतनी अच्छी मार्केट है ना चांदनी चौक, इंडियन अटायर, इंडियन ज्वेलरीज एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती है। हाँ अच्छा है यार मार्केट, तो मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने तो डिसाइड कर लिया जब भी मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करनी होगी तो मैं चांदनी चौक आऊँगी हिंदी की शॉपिंग करने। बहुत प्यारा मार्केट है और लाजपत भी अच्छा। एंड यू नो व्हाट दीदी, जब शादी की शॉपिंग करनी होगी मुझे अपनी, मैं यस फिर हम चांदनी चौक आएंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं यार, मज़ा आ गया देख के। पहले भी देखी थी पर बहुत टाइम पहले देखी थी, तब समझ नहीं थी उतनी, बट अभी दिख रहा है ना वाओ, जिस भी चीज़ को देख रही हूँ ना तो ऐसे निकल रहा है वाओ वाओ। तो यहीं पर आना है जब भी होगी, करनी तो है लाइफ में, यही ड्रीम होता है हर लड़की का, बट कब करेंगे वो पता नहीं, बट जब भी करेंगे। और अब हम निकल चुके हैं चांदनी चौक से और हम जा रहे हैं मेट्रो से, क्योंकि हमें टाइमली एक जगह पहुंचना है अभी, और अगर हम बाय रोड जाएंगे तो हम टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम मेट्रो से जाने वाले हैं एंड ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए ताकि रोड्स पे जाम कम हो, पॉल्यूशन कम हो एंड सो मैनी थिंग्स। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए कभी कभी, और आज हमें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, बिकॉज जाम बहुत होगा और हमें टाइमली एक जगह पहुँचना। सो
चलो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेट्रो में जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद मेट्रो में आई हूँ एंड मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ। वो मेरी लाइफ में चाहे इतनी सी चीज़ हो या फिर इतनी बड़ी हो, मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। और अब हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं साथ और हम मेट्रो में आ चुके हैं। एज यू कैन सी कितनी भीड़ होती है मेट्रो में और जगह नहीं है बैठने के लिए। नहीं मैं ऐसे खड़े रहूँगी। खड़ी रहेगी। हम मॉल आ चुके थे एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होम एंड हमारी जो मीटिंग वगैरह थी वो हो चुकी है। मीटिंग नहीं थी मतलब किसी से मिलना था, हाँ मतलब वही मीटिंग। लिपस्टिक लगाने का दोबारा मन नहीं कर रहा क्योंकि अब तो घर ही जाना है ना, इसलिए चलो घर चलते हैं और कैब का वेट हो रहा है, बस कैब आ जाओ फटाफट। मैं घर पे आ चुकी हूँ और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं आज, इतना ज़्यादा चली हूँ इतने टाइम बाद कि मेरे पैर दर्द होने लगे हैं लिटरली। एंड रही बात जो हम शॉपिंग करने गए थे, हारमोनियम लेने गए थे, आज हम एक्सप्लोर करके आए हैं, पसंद आया है हमें एक हारमोनियम, वो हम कल या परसों लेके आएंगे क्योंकि अभी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें 30,000 से नीचे वाला समझ ही नहीं आ रहा और 30,000 वाला हमारा बजट था नहीं, तो आई नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड लेट्स सी, दो तीन दिन बाद जाएंगे और लेंगे तो वही ऑब्वियसली, कोई और अब पसंद आ नहीं रहा है, समझ आ ही नहीं रहा। तो एंड हम घर पे आ चुके हैं एज यू कैन सी एंड इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा चली हूँ आज इतने दिन बाद, तो मुझे बहुत थकान हो रही है बट ओके अभी ठीक हो जाएगा सोने के बाद। एंड रही बात हम हारमोनियम लेने गए थे, हमें पसंद आया है बिकॉज वी आर लर्नर, तो हमारा जो बजट था, जो हम बजट बना के गए थे 15-20 के बीच में, बट जो हमें पसंद आया है वो 30-35 के बीच वाला पसंद आया है। एंड लेट्स सी हम उसको लेने जाएंगे कल या परसों जाएंगे, ऑब्वियसली लेना तो वही वाला है। तो आज हम सिर्फ एक्सप्लोर करके आए हैं एंड अच्छा हुआ हम सिर्फ एक्सप्लोर करके आए हैं, लेकर नहीं आए हैं। दो तीन दिन बाद हम वही हारमोनियम लेने जाएंगे जो हम आज देख के आए हैं क्योंकि हमारा दिल उसी पे ही है, तो हम वही लेके आएंगे कल या परसों। तो मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी एंड ये तो मैं कल मतलब अब तक डाल दिया होगा मैंने ये तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो भी मैं अपलोड करूँगी जब मैं लेने जाऊँगी, वो परचेज कर लूँगी हारमोनियम। और मेरे को ना चांदनी चौक पे शॉपिंग भी करनी थी, आज हम इतना लेट गए, हम शाम को गए हैं जबकि चांदनी चौक तो सुबह जाते हैं, मतलब सुबह जाना चाहिए बिकॉज चांदनी चौक का जो मार्केट है वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, आई मीन पुरानी दिल्ली बंद हो जाती है जल्दी से, तो हमें सुबह ही जाना चाहिए था बट लेना बहुत कुछ था। हारमोनियम देखते देखते ही रात हो गई, सब शॉप्स बंद होने लगी तो हम कुछ लेके नहीं आ पाए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अब बहुत रात हो चुकी है, सोते हैं आप लोग भी, अच्छा आप लोग उठ चुके होंगे, सॉरी मैं सोती हूँ। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खाइए पिए और ऐश कीजिए, बाय।